कि कुछ खट्टे कुछ मीठे पलों का संग्रह ये वर्ष, कुछ खट्टे कुछ मीठे पलों का ये संग्रह वर्ष, आताताई महामारी की स्तब्ध शमशान सी सुनसान पथिक का पथिक ये वर्ष, कुछ खट्टे कुछ मीठे पलों का संग्रह ये वर्ष, आताताई महामारी की स्तब्ध शमशान सी सुनसान पथिक का पथिक ये वर्ष, नव वर्ष की किरण उगते ही फूट पड़ा रक्त लालिम भोर, नव वर्ष की किरण उगते ही फूट पड़ा रक्त लालिम भोर प्रकाश, पर एकाएक आहिस्ता से क्रूर ववा हवा वेग से अट्टहास करने लगा। जीवन को सोख लेने की क्षमता, मृत्यु को भी मुख करने की क्रूरता, गरीब अमीर असहाय सामर्थ्यवानों को समान रूप से मृत्यु पांचने में बांधने का रुदन, लालसाओं अभिलाषाओं तमन्नाओं के दमन करने की चीख, इस महामारी ने बखूबी पसार दी। सन्नाटे में भयाक्रांत रूप रेखित कर दिया, इंसान से इंसानियत खींचने की नायाब कला इस क्रूर वावा में व्याप्त है। इंसान को इंसानियत खत्म करने की मजबूती से मजबूर नायाब कला सनक व्याप्त है। हतप्रभ स्तब्ध आंखों ने देखे हैं मंजर कई दिल दहलाने वाले। इस जटिल कश्मकश ने मानव पटल से मिटा दी हर संभव भावाकृतियां, चीख पुकार हताश विडंबनाओं के मध्यान शवों का धूं धूं जलना, शवों के जलती राख में भाव तोल तोला माशा का पूर्ण व्यवहार बड़ी कुशलता पूर्वक हुआ है, और ये सब मेरी आंखों ने बहुत कुशलता पूर्वक देखा है, इन्हीं आंखों ने देखा है। शवों के बीच कोई शिव शक्तिमान न हुआ, शिव तो सदैव शक्तिमान है। शिव से शक्ति बहिर्मुखी होके प्रकट हो तो शिव शव है। रणचंडी का विकराल रूप इस महामारी को रेखांकित करता है। महामाया का रौद्र काव्य रूप का एक छंद है ये महामारी। बेजुबानों पर आताताइयों का निष्ठुर निर्मम निर्लज निष्प्राण करके हत्याओं की जिम्मेदारी है महामारी। बेजुबान वराह को निर्ममता से अपनी माँ के वक्ष से अलग कर उसके वक्ष स्थल को भेदन की परिणामी है महामारी। उसके माँ के स्तनों से ममता के टपकने की सिसक है ये महामारी। भू जलवायु के चर अचर को औपचारिक समझ विशेषाचारिक से हटाने की अवधानी है ये महामारी। अपने दम्भ को आकाश स्थित रखकर असहाय बेजबानों के दम घोंटने की अशिष्टाचारी है ये महामारी। एक शतक उपरांत यू पीपल नीड टू ऑब्जर्व कि ये जो भी पेंडेमिक सिचुएशन आती है ये हमेशा 100 साल के उपरांत ही आती है। आप अगर हिस्टोरिक डाटा देखेंगे तो पिछले लगभग 90 से 100 ईयर्स के पहले एक आती थी, ये हमेशा होता है ऐसा। एक शतक उपरांत जब रणचंडी रौद्रता को धारण करती है, श्वास विहीन सुनसान शमशान शवों पर अधीन होती है रणचंडी, तब कालखंड में तबाही का मंजर जब बीत चुका होता है, उस कालखंड की भरपाई को प्रकृति को बर्बरता से खंड खंड करता है इंसान। वृक्षों की छाल को उधेड़ कर कृत्रिमता को भरता है इंसान। प्रदूषण के स्याह अंधकार को जबरन सोख लेने पर मजबूर करता है इंसान। ये वक्त त्राहिमाम की आड़ में षड्यंत्रों को उकेड़ने का नहीं, बल्कि यह समय सुनहरे अवसर को ग्रहण कर कुंठित कंठ स्वर से क्षमाशील धारण को करने का है। ग्लानी अनुताप संग प्रायश्चित के नियम का अनुसरण करने का है। भोरोदय सांजोदय को नवीन तेजस कर आशीष ग्रहण करने का है। फिर एक ओजस प्रभात, फिर एक अलौकिक प्रमाण घटित होगा। रेणुका को मस्तक पर लगा इंसान अनुग्रहित होगा। नवद न हिंसा न रक्त प्रलाप सर्वत्र होगा। एकाएक शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये कविता दरअसल सुनाने का सिर्फ मेरा एक यही मतलब था कि आप जो भी चीज़ इस वक्त बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हर इंसान अपनी सिचुएशन में ही दूसरे इंसान को ढालना चाहता है। कोई इंसान दूसरे की सिचुएशन समझना नहीं चाहता, ये आपकी गलती है।
कोई भी इंसान अपनी सिचुएशन के अलावा दूसरे की परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहता, ये गलती है आपकी। तो इस कविता के माध्यम से मैंने बस यही बताया था कि इंसान जो चीज़ भरपाई करता है इस महामारी के अंदर, जितने भी आपदाएं होती हैं, जितने भी गंदगी होती है, उसको और बर्बरता से उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो इस महामारी को दोषित मत करो, ये आपकी गलती की एक बहुत बड़ी भरपाई है। इस समय आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों को लूटने की। थैंक यू।